गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जॉमनर पीजी क्लास कॉलेज की आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऊष्मा गतिकी की कुछ नए टॉपिक्स के बारे में। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो ऊष्मा गतिकी के बारे में ब्रीफली हमने थोड़ा थोड़ा स्मॉल स्मॉल थिंग्स पढ़ी हैं। तंत्र क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, तंत्र के प्रकार क्या होते हैं, तंत्र के गुण क्या होते हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आज हम बात कर रहे हैं ऊष्मा गतिकी के प्रक्रम के बारे में, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आती है डेफिनेशन। ऊष्मा गति की प्रक्रम या ऊष्मा गति की जो ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो होती क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वह प्रक्रिया या संक्रिया, या आप बोल सकते हो ऑपरेशन, संक्रिया का मतलब होता है ऑपरेशन, प्रक्रिया का मतलब हो गया प्रोसेस, जिसके द्वारा तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मा गति की प्रक्रम कहलाते हैं। अब ये ऊष्मा गति की प्रक्रम जो होते हैं वो मोस्टली हमने समदाबी, समतापी, सम आयतनी और दोषम प्रक्रम पढ़ रखा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास में दो और होते हैं, एक होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम, एक होता है अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। इन सब के बारे में हम छोटा छोटा लिटरली हम थोड़ा बहुत नॉलेज यहां पे लेंगे। सबसे पहली बात आती है हमारे समतापी प्रक्रम। देखो, समतापी जो प्रक्रम होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब इस आइसोथर्मल का प्रोसेस का मतलब है थर्मल मतलब टेम्परेचर मतलब बिल्कुल इक्वल रहना चाहिए, टेम्परेचर स्थिर रहेगा। नाम से ही पता चलता है समतापी, आइसोथर्मल, टेम्परेचर बिल्कुल स्थिर रहेगा, टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें प्रत्येक पद में ताप स्थिर रहता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है आपका। ताप स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने परिवेश से ऊष्मा का विनिमय करता है, या तो वो ऊष्मा तंत्र परिवेश से लेगा या परिवेश को ऊष्मा देगा। अब आपने दो नाम पढ़े होंगे, एक पढ़ा होगा ऊष्मा क्षेपी, एक होता है ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी दो जो वर्ड पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, वो यहीं पे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आता है। ऊष्मा क्षेपी, क्षेपी के अंदर होता है ऊष्मा को बाहर निकालना, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ऊष्मा को अपने अंदर ग्रहण करना। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास में प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होता है, अगर हमने ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम लिया है, समतापी प्रक्रम की बात कर रहे हैं हम, अगर हमने प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी लिया है तो मुक्त हुई ऊष्मा जो तंत्र से मुक्त हो रही है, वो मुक्त हुई ऊष्मा परिवेश को दे दी जाती है, यानी कि परिवेश को वो ऊष्मा दे दी जाती है। किसके द्वारा, तंत्र के द्वारा दी जाएगी। और यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है तो तंत्र के द्वारा जो ऊष्मा है वो परिवेश से ले ली जाती है, वो परिवेश से ऊष्मा ग्रहण कर ली जाती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं अगर ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा यहाँ पे तो परिवेश को ऊष्मा दे दी जाएगी, और अगर ऊष्मा शोषी होगा तो परिवेश से ऊष्मा ले ली जाएगी, ताकि तंत्र का ताप क्या रहे, बिल्कुल समान रहे, बिल्कुल स्थिर रहे, तंत्र के ताप में कोई भी चेंजेस नहीं आए। यदि ताप तथा आंतरिक ऊर्जा, यानी कि ताप मतलब टेम्परेचर टी और आंतरिक ऊर्जा मतलब कैपिटल ई, ताप तथा आंतरिक ऊर्जा दोनों में समतापी प्रक्रम के लिए क्या होती हैं, डीटी भी हमारा क्या होगा, जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जो हमारा डी आपकी आंतरिक ऊर्जा में जो वेरिएशंस होंगे वो भी क्या होंगे, शून्य होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समतापी प्रक्रम का। तो ऐसे प्रक्रम जिनके अंदर पूरे पदों में, प्रत्येक पद में ताप समान रहता है, ताप स्थिर रहता है, वो समतापी प्रक्रम कहलाते हैं। अगर यदि ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो परिवेश को ऊष्मा दे दी जाती है, और अगर ऊष्माशोषी होता है तो परिवेश से ऊष्मा ले ली जाती है। और इन सब के अंदर आपका टेम्परेचर ताप और आंतरिक ऊर्जा आपकी ई, यानी कि ताप में परिवर्तन भी शून्य होगा और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी शून्य होगा। ये डी लगाने का मतलब भी होता है परिवर्तन। ठीक है, दूसरा प्रक्रम की हम बात करें, रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम को हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस जो हमारी होती है, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, रुद्धोष्म प्रक्रम हो गया। और हमने पहले कहा है यदि प्रक्रम में तंत्र अपने परिवेश से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, यहाँ पे तो ऊष्मा का विनिमय हो रहा है, यहाँ पे ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है, तो इस तंत्र के अंदर ताप में परिवर्तन संभव हो सकता है, यानी कि ताप के अंदर कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। यदि प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है तो ताप में वृद्धि होती है। इसमें देखो, अगर ऊष्माक्षेपी
सोशी होगा तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी, और अगर उष्मा सोशी होगा तो टेम्परेचर में कमी होगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उष्मा को क्यों में व्यक्त किया जाता है और क्यों कुहांग परिवर्तन जो होगा, यानी कि इसके अंदर ओवरऑल जो डी क्यू होती है, डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। क्यों हमारी क्या है, उष्मा। ई हमारी क्या होती है, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। टी हमारा ताप है, ये सब आप लोग जानते हो नॉर्मली, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिए हैं, उष्मा शेपी और उष्मा शोषी। यहाँ पे उष्मा शेपी होगा तो परिवेश को ऊर्जा दी जाएगी, उष्मा शोषी होगा तो परिवेश से ऊर्जा ली जाएगी। अगर दोषण प्रक्रम की बात करें हैं तो अगर उष्मा शेपी प्रक्रम होगा तो ताप क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, और अगर आपका उष्मा शोषी प्रक्रम होगा तो ताप में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और यहाँ पे ओवरऑल ऊर्जा का जो अंतर होता है या उष्मा का जो मान होता है वो हमारा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। नेक्स्ट हम तीसरे की बात करते हैं, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम हमारा आइसोबारिक, जो हमारे पास जो प्रक्रम्स होते हैं वो आइसोक्रोनिक प्रक्रम भी इसको बोल सकते हैं, आइसोबारिक भी बोल सकते हैं। तो सिंपली हम जो समस्थानिक यूज़ करते हैं वहाँ पे समबारिक वगैरह उनमें यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो समदाबी है उसको आइसोपिस्टिक या आप बोल सकते हो आइसोबारिक बोलेंगे, यहाँ पे सबसे ईजी हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि वह प्रक्रम जिसके अंदर दाब अवस्था परिवर्तन में, यानी कि जिसके द्वारा अवस्था परिवर्तन में दाब स्थिर रहता है, समदाबी, यानी कि दाब क्या रहेगा, समान रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक भी बोलते हैं या फिर आइसोपिस्टिक भी इसको बोला जा सकता है, या सिंपली हम कहें कि इसके अंदर दाब स्थिर रहेगा अवस्था परिवर्तन जब भी होगा। यदि निकाय का दाब पी है तो समदाबी प्रक्रम के लिए डी पी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि दाब क्या हो जाएगा इसके अंदर, शून्य। अगर हमने दाब पी लिया है किसी निकाय के लिए तो समदाबी प्रक्रम के लिए दाब में अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे 25 डिग्री वायु टेम्परेचर जो हमारे पास में है और एक वायुमंडलीय दाब वाले जो एक मोल जल होता है उसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एक वायुमंडलीय दाब पर वाष्प में परिवर्तन समदाबी प्रक्रम के अंतर्गत आता है। यानी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, वायुमंडलीय दाब हमने ले रखा है और एक वायुमंडलीय दाब हमने ले रखा है, एक मोल ले रखा है जल का, और उसके लिए भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने वायुमंडलीय दाब ले रखा है, परिवर्तन होगा तो वो समान ही रहेगा, यानी कि दाब में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। 25 डिग्री पर भी वही रहेगा और 100 डिग्री भी वही रहेगा जब हमने समदाबी प्रक्रम लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सम आयतनी प्रक्रम, फोर्थ नंबर पे है सम आयतनी प्रक्रम। देखो सम आयतनी प्रक्रम जो हमारे होते हैं इनको आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर हम डी वी यानी कि वॉल्यूम हमारा जो आयतन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन जो होता है वो स्थिर रहता है, वह प्रक्रम हमारा सम आयतनी प्रक्रम कहलाता है। सम आयतनी प्रक्रम के लिए हमेशा आयतन जो होता है तंत्र का जो आयतन होता है वो तंत्र का आयतन बिल्कुल समान रहता है, कहीं पर भी कोई चेंजेस नहीं आता है। नेक्स्ट हम लेते हैं पाँचवें नंबर का चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम जिसको हम साइक्लिक प्रोसेस भी बोलते हैं, देखो चक्रीय प्रक्रम का मतलब होता है यदि कोई तंत्र अवस्था परिवर्तन की श्रृंखला में से गुजरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे आ जाए, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हो रहा है और वहीं पे आके वो वापस आ जाए, वहीं पे घूम फिर के वापस आ जाए, तो ऐसी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो वह चक्र क्या कहलाएगा, प्रक्रम क्या कहलाएगा आपका, चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। मान लो हमने कोई रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट, ए से स्टार्ट की है, वो बी प्रोडक्ट बनाया और बी से सी बनाया और सी बनाने के वापस कहाँ आ गया आपका, ए पे आ गया, यानी कि जहाँ से हमने प्रोसेस स्टार्ट की है, जहाँ से हमने हमारे पास में प्रक्रम स्टार्ट हुए हैं वहीं पर आकर वो वापस रुक जाए तो वो
क्या कहलाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। इन सब के बाद में यहाँ तक तो हमने पढ़ रखे हैं समायतनी, सब रुदोष्म प्रक्रम, शब्दाभि प्रक्रम, समायतनी प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। एक प्रक्रम हमारे आते हैं 6 नंबर के, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो हमारे प्रोसेस वगैरह आती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो हमारे सिस्टम्स आते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रोसेस जो हमारी होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं। उत्क्रमणीय प्रोसेस का मतलब होता है, सिंपल सी चीज़ हम कह सकते हैं, वह प्रक्रम जिसमें तंत्र अपने प्रवेश के साथ साम्य में रहते हैं, जिसमें तंत्र अपने प्रवेश के साथ साम्य में रहेंगे वो उत्क्रमणीय कहलाएंगे, और जिसके साथ तंत्र अपने प्रवेश के साथ साम्य में नहीं रहेंगे वो अनुत्क्रमणीय कहलाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रक्रम में प्रेरक बल की मात्रा जो होती है वो प्रतिरोधी बल की मात्रा से अनंत सूक्ष्म अधिक हो तो हमारे प्रक्रम अनंत सूक्ष्म धीमी गति से आपके धीमी गति वाले होंगे तो वो प्रक्रम क्या होंगे, उत्क्रमणीय गति, उत्क्रमणीय प्रक्रम होंगे। अगर उनकी गति बहुत स्पीडली हो, बहुत फास्ट हो, बहुत तेज हो तो वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। आगे इनका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम एक प्रैक्टिकल के थ्रू हम कल इसके बारे में बात चर्चा करेंगे, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।